देखिए वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले एडिशन योग की बात करेंगे, जिसमें एकाधिक एन पूर्वेण और एक न्यून एन पूर्वेण के क्वेश्चन हम मेथड्स यूज करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें चार मेथड यूज करेंगे, एकाधिक एन पूर्वेण, एक न्यून एन पूर्वेण, निखिलम मेथड, ऊर्ध्व तिरभ्यम। इसी तरह से डिवीजन में हम तीन मेथड यूज करेंगे, निखिलम, परावर्ती योजते और ध्वजांग मेथड। नेक्स्ट हम बात करें स्क्वायर में हम यूज करेंगे एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम, द्वंद योगा मेथड, इष्ट संख्या मेथड, उपसूत्र अनुरूपेण। नेक्स्ट और भी है जिनकी हम बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्यूब गणफल तीन मेथड से करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम और सूत्र उपसूत्र अनुरूपेण। ऐसे स्क्वायर रूट हम दो मेथड से करेंगे, डिवीजन मेथड और द्वंद योगा मेथड। क्यूब रूट की बात करेंगे तो कंप्लीट क्यूब मेथड पूर्ण घन विधि से करेंगे। इस तरह से हम वैदिक मैथमेटिक्स के रिलेटेड इतने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अभी बोर्ड के एग्जाम्स को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट है वही ज्यादा हम कराएंगे। तो आज हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कम पूछा जाता है, मल्टीप्लीकेशन से लेकर यहाँ तक जो क्यूब रूट तक है उनके कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड, गुणनफल के रिलेटेड क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स का मेथड मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम फर्स्टली सोल्व करेंगे एकाधिकेन पूर्वेण से। देखिए क्वेश्चन हमने दो क्वेश्चन लिए हैं अभी फर्स्ट स्लाइड में, देखिए इसमें इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे पढ़ेंगे दोनों मीडियम के लिए देख लीजिएगा। अब आपको क्वेश्चन के बेस पे समझाऊंगा तो ज्यादा इजी रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, 83 और 87 है तो यहाँ से याद रखना एकाधिकेन पूर्वेण की कंडीशंस होती है ऐसी होती है कि फर्स्ट वाला नंबर हमेशा सेम रहेगा, मींस ये जो सेकंड डिजिट है वो हमेशा सेम रहेगी, फर्स्ट डिजिट जो यहाँ होगी वो सेम रहेगी, जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा सेम रहता है। ये है एकाधिकेन पूर्वेण की कंडीशन है। अब सोल्व कैसे करेंगे, आपको क्या लिखना है सबसे पहले याद रख लीजिए, 8 लिखना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों जगह सेम है, इससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 9। समझ में आ गया, लाइन खींच दीजिए एक बीच में। फिर क्या करेंगे, 3 जो लास्ट जो नंबर डिजिट है उनको इनटू करा दीजिए, 3 × 7। समझ में आ गया आपके, एकाधिकेन पूर्वेण में सिंपल है, एक पहला वाला नंबर यहां लेना फर्स्ट डिजिट, उसका एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करवाना है और पीछे वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। अब यहां से हम इसको सोल्व करेंगे, 8 × 9 करेंगे तो कितना आएगा, 72। यहां से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। अब देखिए यहां से कैसे सोल्व करेंगे, अब आपको सिर्फ बीच वाली लाइन हटानी है तो आंसर आ जाएगा 7221। इस तरह से यह सॉल्यूशन हो गया। अच्छे से समझने के लिए दूसरा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए यहां से दोनों जगह सेम है 5 और 5, तो यहां लेना है फर्स्ट 5 से एक बढ़ा के लेना है 6, ले लिया आपने। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट जो भी है 86 है, यहां से 14 है। अब 86 और 14 को आप मल्टीप्लाई कर, देखो एक तो बड़ी संख्या है 5, 8, 6 और 5, 1, 6, 5, 1, 4, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, इससे अच्छा आप 86 और 14 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं इजीली। तो देखिए कैसे करेंगे, इनको करेंगे तो आएगा 30, इनको आप इनटू करेंगे तो आएगा 12, 0, 4 करके देख लीजिएगा। अब इनका बीच में से लाइन हटानी है 3, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 5, 4, ठीक है। इस तरह से ये आंसर हमारा आ जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं और यहाँ हमारा शॉर्ट मेथड से भी इसको देख सकते हैं। इसलिए एकाधिकेन क्या है, बड़ी संख्याओं का गुणा करने में यूजफुल है। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस लेके चलता हूँ, देखिए दो क्वेश्चंस और हैं जो अलग हैं, ये भी इसी मेथड से होंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डिजिट है वो दोनों का सेम है, इसलिए आप ये लगा सकते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। देखिए इसको कैसे करेंगे, मेथड वही है, मैंने कहा था दोनों का सेम डिजिट आया है तो उसको एक नंबर लिखना है सेम, उसमें एक बढ़ाना है, इसका मतलब 9 से एक बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, बीच में स्लैश करना है,
पीछे के दोनों जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो 5/11 इंटू 6/11 कर देंगे, 9 × 10 करेंगे तो 90 आ जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो ये आ जाएगा 30/121। अब इनका लाइन हटा देनी है, आंसर आ जाएगा 90/31/2, 121, 121। तो 30/121 आगे 90 लग जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। सेम ऐसे ही इस पैटर्न से ये करना है, 11 सेम है तो 11 और साथ में एक बढ़ा के इंटू करवाना है तो 12। यहां से क्या है 0.7 पीछे बचा है या 0.3, यहां से इंटू करेंगे 11 और 12 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपके 132 आ जाएगा, और इन दोनों को इंटू करोगे तो 0.21 आ जाएगा। जब इनको साथ में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 132.21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से पॉइंट वाले क्वेश्चंस भी याद रखना, कंडीशन पहले वाला अंक है वो सेम होता है, डिजिट सेम होता है, तभी हम एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं एक न्यूनेन पूर्वेण से मल्टीप्लाई कैसे होता है वो देखेंगे। तो देखिए एक न्यूनेन पूर्वेण से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले इसका मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, वो याद रख लीजिए, P-1 फिर / Q-P-1, ये इसका एक फॉर्मूला है। अब आप सोचेंगे P और Q क्या है, तो देखिए फर्स्ट डिजिट है वो P है और सेकंड डिजिट है वो Q है। इसमें एक कंडीशन याद रखिए, एक न्यूनेन पूर्वेण में हमेशा जो लास्ट वाला डिजिट है वो 9 फॉर्म में आएगा, 9 नंबर आएगा, 999 की फॉर्म में चलता रहेगा, तभी हम कर पाएंगे एक न्यूनेन पूर्वेण से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को इस पे अप्लाई करते हैं, P हमारे पास 43 है, Q हमारे पास 9 है, यहां से रखेंगे 43-1/ Q कितना हमारा 9-43-1। देखिए कैसे करेंगे, यहां हमारा सोल्व करेंगे 43-1 42 हो जाएगा, यहां से हम 9-42 करेंगे। अब आपको बताया यहां हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, इसलिए माइनस में आना नहीं चाहिए, इसलिए हम ये बीच में से स्लेस हटा देंगे तो आंसर आएगा और ये 9 इसके पास लग जाएगा 429-42। समझिए यहां से कि अगर ये माइनस नहीं आता तब तो हम माइनस कर लेते, पर ये इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको ये स्लेस हटा के 9 इसके पास में लगा देते हैं अगर माइनस कंडीशंस आए तो। आंसर सोल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा 387 आंसर हमारा आ जाएगा। याद रखिएगा इस मेथड को ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे तो 512-1 क्यू हमारे पास 99, यहां से माइनस करेंगे 512-1 सोल्व करेंगे या 511-99-511। यहां भी ऐसी कंडीशन बन रही है जहां पे 99 है वो इससे माइनस होता है तो आंसर माइनस का आएगा, तो हमें माइनस का नहीं लेना है, इसलिए इसको स्लेस हटा देंगे और नंबर बन जाएगा ये और माइनस हो जाएगा दिस। सिंपल वे है, माइनस हो गया तो ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 50688। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इसमें इसके अलग थोड़ा ट्रिकी मेथड है। देखिए P है और ये Q है, तो P माइनस वन करेंगे, 68-1 करेंगे, यहां हम क्या करेंगे Q लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे 68-1 करेंगे, यहां हो गया 67, यहां 999-67। अब देखिए यहां पे ये दोनों माइनस नहीं हो रहे हैं, ये माइनस नहीं हो रहे हैं तो हम इसको स्लैश को नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 932 डायरेक्ट आएगा, माइनस नहीं आया इसलिए हमने नहीं हटाया, ये याद रखिए। अब इनको वापस ज्वाइन कर देंगे 67932 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने एक न्यूनेन पूर्वेण के क्वेश्चंस सोल्व किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निखिलम मेथड से हम क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे वो।
tell me why I'm falling.